टुडे और अभी मैं खड़ी हूँ एक्वा लाइन के न्यूली इनॉग्रेटेड स्टेशन डिपो स्टेशन में, जो ग्रेटर नोएडा में टर्मिनेटिंग स्टेशन है। आपको बता दें, कल ही एक्वा लाइन की इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। और इस स्टेशन और इस एक्वा लाइन में कुल 21 स्टेशन होंगे, जिसमें 6 स्टेशन ग्रेटर नोएडा के अंदर आएंगे। एक्वा लाइन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जाएगी। और आपको बता दें, इसमें जो कार्ड होगा, जो मेट्रो कार्ड होगा, वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से अलग होगा। DMRC का कार्ड यहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं होगा। और इसी के साथ साथ DMRC और NMRC में कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अभी हम ट्रैवल करते हैं मेट्रो में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या अंतर है दोनों मेट्रो में और लोगों का क्या कहना है। ट्रैवल कर रहे हैं, मैं अभी ग्रेटर नोएडा से, मेरे को राजीव चौक जाना है। अच्छा। तो मैं राजीव चौक के लिए काउंटर से टिकट लेने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझको सेक्टर 51 के लिए टिकट दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, सेक्टर 1 से तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 51 से ऑटो या किस कुछ लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, फिर मैं राजीव चौक जाऊंगा। तो ये थोड़ी सी ट्रबलसम है, दिक्कत होती है इससे। मतलब भाई आपको दिक्कत है कि 51 सेक्टर पर उतर के आपको दिल्ली मेट्रो के लिए चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा। ये आपको पता नहीं था पहले, अभी पता चला? नहीं, मेरे को पता नहीं था, इसीलिए मैं जब कोई ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया, तो आने के बाद मैंने सोचा चलो अब दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट लूँगा, इससे बेहतर है, अभी कैसे भी चला जाऊँगा लेके इसी से। तो ये दिक्कत है, क्योंकि अभी मेरे को बॉटनिकल गार्डन जाना पड़ेगा, लेकिन हमको बॉटनिकल गार्डन जाने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आना पड़ेगा। ये मैं चाहता हूँ जो जल्दी से जल्दी ऐसा कोई चीज़ हो जो कि हम लोग को कनेक्टिविटी ऐसा हो, जो डायरेक्ट हम लोग को बॉटनिकल गार्डन थ्रू अदर पार्ट ऑफ दिल्ली एंड तो हम लोग जा सके इजी वे में। अभी तो अगर आप कन्वीनियंस की बात करूं, तो व्हाट आई फील दैट बस इज मोर कन्वीनियंट इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली रादर देन दैट, बट सेफ्टी पर्पस दिस इज बेटर इन दैट रादर देन इफ यू आर गोइंग विथ फैमिली, सो दिस आई विल प्रीफर। इफ आई विल गो अलोन, आई विल गो बाई बस, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू ब्लू लाइन बस ना, इट इज नॉट एज ऑफ नाउ डायरेक्टली कनेक्टिंग टू ब्लू लाइन to interchange. आपने ये जो नई एक्वा लाइन खुली है, इसमें ट्रैवल किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसी, मतलब आपको कोई डिफरेंस लगा दोनों लाइन में? हाँ, दिल्ली से ज़्यादा डिफरेंस है ये वाली। कैसा लगा आपको मेट्रो में सफर? अच्छा था, कन्वीनियंट था, ट्रैफिक से बच गए। ओके, आपने ब्लू लाइन में पहले सफ़र किया? हाँ किया। आपको कोई डिफरेंस लगा दोनों में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, डिफरेंस तो नहीं लगा। कन्वीनियंस लग रहा है, मेट्रो बढ़िया है। हमने अभी सिविल बाय रोड भी ट्रेवल किया था, तो बाकी ट्रैफिक से, धूल मिट्टी वगैरह से जो प्रॉब्लम्स होती है, इन सबसे बचते रहते हैं हम। थोड़ा अच्छा है, मतलब ट्रैफिक से भी बचेंगे। और कहाँ से चढ़े थे आप? मैं नॉलेज पार्क 2 से चढ़ा हूँ। नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट हाउ द मेट्रो इज रनिंग, सिंस दिस इज इनॉग्रेशन डे, एट द फर्स्ट डे व्हेन इट्स ओपन फॉर पब्लिक, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक द फर्स्ट राइड, सो दैट मीन्स फर्स्ट डे राइड, सो दैट आई कैन हैव दैट एक्सपीरियंस एंड सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो इट वॉज ऑसम, गुड, जस्ट लाइक दे रेप्लिकेट ओल्ड एक्सपीरियंस एंड एनहांस इट एंड मेक इट मोर बेटर इन फैक्ट। So this was a good ride. जैसा कि आप सबने देखा, जहाँ एक तरफ लोगों को एक राहत की सांस मिली है एक्वा लाइन के खुलने के बाद, जहाँ उनके लिए सफ़र एकदम सुविधाजनक हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जब DMRC में मेट्रो चेंज करने की बात आती है, तब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल DMRC का सेक्टर 52 नोएडा का स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर उन्हें चेंज करनी है, यदि आपको चेंज करनी है दिल्ली मेट्रो के लिए, तो आपको नोएडा सिटी सेंटर तक सफ़र करना पड़ेगा। आशा है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये जो पुल है, जिसको NMRC ने प्रस्ताव रखा था कि स्काई वॉक या फिर एक पुल बनाया जाएगा जो सेक्टर 52 और सेक्टर 51 स्टेशन को इंटरकनेक्ट करेगा, वो जल्द से जल्द बन जाए और लोगों का ये सफ़र और भी सुविधाजनक हो जाए। कैमरामैन सार्थक निगम के साथ तनुश्री भनोट, स्वेन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।